YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पांकी प्रखंड के करपुरी चौक के समीप मुक्ति कारवां अभियान के तहत बाल दुर्व्यापार, बाल मजदूरी और बाल विवाह सहित बच्चों पर हो रहे विभिन्न तरह के अत्याचारों पर जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पांकी बीडीओ इंद्रलाल लोदार, प्रमुख उर्मिला देवी, थाना प्रभारी मनोज कुमार तिवारी की मौजूदगी में हुई, जहाँ अभियान को लेकर बेहद सक्रिय शत्रुघ्न ओझा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को उनका हक व अधिकार दिलाना ही अभियान का मकसद है। कहा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं पांकी बीडीओ ने अपने संबोधन में बच्चों पर हो रही अत्याचारों पर अंकुश लगाने की दिशा में मुक्ति कारवां अभियान की तारीफ की। कहा कि जागरूकता से ही बाल दुर्व्यापार जैसे घृणित अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे जो भारत में जो बाल व्यापार बढ़ रहा है, बाल दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जनता को जन जागरण किया जाए और इससे कि पूरे राज्य में, हमारे देश में बच्चे जो बेचे जा रहे हैं बाहर, उसको जनता को जगाया जाए और अपने बच्चों को सुरक्षित घर में रखा जाए और उसको पढ़ने की व्यवस्था सरकार से के माध्यम से सरकार तो कर ही रही है और जरूरत पड़ेगा तो और एक व्यवस्था कराए।